बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। आपको बता दें कि लगातार सातवीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो वहीं आपको बता दें कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया। उसके बाद 23 नवंबर से तमाम विधायकों ने भी शपथ ग्रहण किया। उसके बाद आपको बता दें कि सदन में महागठबंधन के विधायकों ने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण के बाद महागठबंधन के विधायकों ने, वहीं भाकपा माले ने भी नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही साथ सरकार को घेरते हुए भाकपा माले ने कहा है कि बिहार विधानसभा से किसान विरोधी तीनों कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें। आपको बता दें कि भाकपा माले ने नीतीश सरकार को घेरा है, सरकार को घेरा है, साथ ही साथ महागठबंधन के विधायकों ने भी सदन में घमासान छेड़ दिया है। आपको बता दें कि महागठबंधन के विधायकों ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है।